हे दालोवीज, हाउ वर यू ऑल। नेक्स्ट वीक आने वाला है और यूनिवर्स का हमारे लिए क्या मैसेज है नेक्स्ट वीक के लिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन इस रीडिंग से पहले, मेरी लवीज आर्मी कैसी है, सब कुछ कैसा चल रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है आजकल टैरो रीडिंग्स की, इसलिए मैंने सोचा है कि डेली बेसिस पे अब आपके लिए मुझे रीडिंग्स लाना है और आपको उसको लेके मैं गाइडेंस भी दूंगी कि कैसे आप, अगर बहुत नेगेटिव फील हो रहा है उस दिन, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे दी, तो क्या करना है, आज मैं आपको सब बताने वाली हूँ। पहले तो यहाँ पे मैंने पूरी पाइल्स यहाँ पे जमा ली है, एंड यहाँ पे पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3, एज यू कैन सी। लेकिन इसको जानने से पहले, जो ये मैं रीडिंग करने वाली हूँ, नेक्स्ट वीक आपका कैसा जाने वाला है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान करना है और यूनिवर्स आपसे क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या बोलना चाहते हैं, आज हम जानेंगे। अब मैं आपको कुछ चॉइसेस दे रही हूँ। या तो आप कोई एक क्वेश्चन जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत नेगेटिव बना रहा है, आप उससे रिलेटेड भी जान सकते हो। लेकिन नहीं दी, आप ही हमें बताओ नेक्स्ट वीक हमारे लिए डिवाइन क्या मैसेज भेजना चाहती है, तो मैं ये बताने वाली हूँ। आपने कौन सी पाइल चूज करी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कैसी लगी है रीडिंग, किन किन टॉपिक्स पे आपको रीडिंग चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप किस में चाहते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेट्स टॉक अबाउट द पाइल नंबर 8। जिन लोगों ने पाइल नंबर 8 चूज करी है, आपके लिए यूनिवर्स का, एंजल्स का क्या मैसेज है। कम्युनिकेट क्लियरली वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। जो भी चीज़ें आप ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से एक्सपेक्ट करते हो, अपनी लाइफ में चाहते हो, उस चीज़ को लेके यूनिवर्स को क्लियरली बताओ। लाइक यूनिवर्स, मुझे यही वाली जॉब चाहिए, मुझे इसी इंसान के साथ रिलेशनशिप चाहिए, मुझे इतना ही मनी मैनिफेस्ट। और एक पर्सनल बात आपको बताना चाहती हूँ, जिनका पाइल नंबर 8 आया है, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मैनिफेस्टेशन करते हो अपनी लाइफ में, आप कुछ यूनिवर्स के थ्रू चाहते हो, हमेशा यूनिवर्स को क्लियर होके चीज़ें बताओ। जितना ज़्यादा आप क्लियर रहोगे, उतना आसानी हो जाएगी यूनिवर्स को आपके लिए आपकी मैनिफेस्टेशन भेजना। अब बात करते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 ऑप्ट करी है, पाइल नंबर 2 चूज करी है, आपके लिए क्या मैसेज है। Do not stop. Whatever you are doing in your life, जो भी आप यूनिवर्स से डिमांड करते हो, बिल्कुल भी रुको मत। आप जो कर रहे हो परफेक्टली कर रहे हो, लेकिन बीच में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, बीच में हमारा बिलीफ सिस्टम डाउन हो जाता है, तो हम रिचुअल्स मैनिफेस्टेशन को नेगेटिव बोलने लग जाते हैं और हम मैनिफेस्टेशन नहीं करते। बिल्कुल भी मत रखो, यूनिवर्स द परफेक्ट टाइमिंग पे आपको आपकी मैनिफेस्टेशन देने वाला है। एंड यूनिवर्स को कभी डाउट नहीं करना चाहिए, वो जो भी करते हैं अनएक्सपेक्टेड करते हैं। एंड सीरियसली 80% ऑफ द पीपल जो मैनिफेस्टेशन करते हैं, वो मैनिफेस्टेशन इसलिए नहीं करते हैं, बीच बीच में यूनिवर्स आपका टेस्ट लेते हैं और आप घबरा जाते हो और फिर आप बोलते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कुछ भी नहीं है, कुछ काम नहीं करता। इसलिए ये सेंटेंसेस कभी नहीं बोलना, डिवाइन पे भरोसा रखो, उनका भरोसा ऐसा है ना कि लाइफ में सिर्फ मिराकल्स ही करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पाइल नंबर 3। जिन्होंने पाइल नंबर 3 ऑप्ट करा है, आपके लिए डिवाइन का क्या मैसेज है। लेट गो, जो माइंड में अनवांटेड थॉट्स आते हैं या जो चीजें आपको परेशान करती हैं या जो चीज आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती, सब चीजों को लेट गो करो। ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पे, वो जो भी करेंगे आपके लिए सबसे परफेक्ट करेंगे। यहां लेट गो का मतलब ये नहीं है कि टेक्निक्स बंद कर दो या रिचुअल्स करना बंद कर दो, यहां लेट गो का मतलब ये है कि अब सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दो। आपकी एंजाइटी, आपका टेंशन, आपकी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं होने देता। लेट गो का मतलब लोगों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, तो आज यूजुअली मैं रात को एक वीडियो लेकर आऊँगी जहाँ पे मैं आपको लेट गो के बारे में बताऊँगी कि लेट गो होता क्या है और कैसे हमें डे टू डे लाइफ में या टेक्निक्स में लेट गो को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है और इसके ही थ्रू हम कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाते। आज रात को 9 बजे लेकर आऊँगी लेट गो के वीडियो, लेट गो किस प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे करना चाहिए, उन सब के बारे में बताने वाली हूँ। इसलिए नेगेटिव मत होइए पाइल नंबर 3 वाले माय लवीज आर्मी, सब कुछ द बेस्ट होगा, बस यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो। सो ये था पाइल नंबर 8, हर चीज यूनिवर्स को क्लियरली बताओ, जो भी चाहिए जैसा भी चाहिए। पाइल नंबर 2 वाले भाई, रुकना नहीं है किसी भी चीज के लिए, यूनिवर्स सब कुछ अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आएंगे, अगर रुकोगे तो डिवाइन आप पे टेस्ट करेगा। और थर्ड वाला है लेट गो, जो मेरी पाइल नंबर 3 वाली लवीज आर्मी के लिए आई है। कार्ड्स आर रियली गुड, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है, बस लाइफ में थोड़ा क्लियर हो एंड टेंशन नहीं लेना।
आज रात को 9 बजे हम ये लेट गो का फंडा भी समझेंगे. सेंडिंग यू ऑल द हीलिंग एंड पॉजिटिविटी. और इस यू नो रीडिंग को बस आप क्लेम कर लो, ये आपकी लाइफ में होने वाली है. बहुत सारी पॉजिटिविटी, न्यू एनर्जीज आपकी लाइफ में आने वाली हैं. कैसी लगी रीडिंग एंड किन किन चीज़ों पर रीडिंग चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी माई लवीज. आर्मी रात को 9 बजे मिलेंगे लेट गो वाले वीडियोज़ के साथ. राधे राधे.